हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि बी प्लस ट्रीज क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बी प्लस ट्री, हमने बात की थी बी ट्री दैट इज एमवे ट्री की प्रीवियस लेक्चर में, जहां पे हमने देखा था कि आपके पास जरूरी नहीं है कि हर नोड के दो ही सब नोड हो, दो से ज्यादा सब नोड भी हो सकते हैं। सो वी कैन हैव मल्टीपल सब नोड ओवर देयर, दोज वर योर बी ट्रीज और एमवे ट्रीज। अब बी प्लस ट्रीज क्या होते हैं? सो जब हमने एमवे ट्रीज देखे तो उसमें हमने ये देखा कि जो आपके जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स हैं, दे आर स्टोरिंग एम माइनस वन कीज एंड एम पॉइंटर्स। तो हर एक जो नोड है वो कॉम्बिनेशन था वैल्यूज का एज वेल एज पॉइंटर्स का, कि आपके पास कुछ वैल्यूज आ रही है और साथ में हमारे पास पॉइंटर्स है जो कि आगे आने वाले नोड्स के एड्रेसेस को बता रहे हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम यूज होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। थोड़ा सा चेंज क्या हो जाता है कि जो एक्चुअल डेटा है वो सिर्फ आपके लास्ट लेवल से उठाया जाता है। सो एक्चुअल डेटा इज ओनली टेकन फ्रॉम द लास्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें मुझे वैल्यूज बनानी है, मान लो मेरे पास ये वैल्यूज है 80, 90, 60, 75, 58, 82, 96, 28, 64, 68, समथिंग लाइक दैट। और मुझे बनाना है एक थ्री वे ट्री। ठीक है, सो इफ आई हैव टू मेक अ थ्री वे ट्री, तो मैं सिर्फ पहली दो वैल्यूज ही लूंगी जो कि होंगी 80 और 90। ठीक है, 80 और 90, जैसे ही 60 इसके अंदर ऐड होगा तो तीन अलाउड नहीं है, तीन अलाउड नहीं है तो हम 80 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, है ना। तो जो आपका एमवे ट्री था उसमें क्या हो रहा था कि 80 ऊपर शिफ्ट हो रहा था और इस तरफ रह रहा था 60 और 90, पर अब इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें जो लास्ट लेवल है ना उस पे सारा डेटा भी मेंटेन करना है, तो 80 ऊपर नहीं जाएगा, मतलब 80 माइट गो एज एन इंडेक्स बट नॉट एज अ वैल्यू। सो जो डेटा वैल्यूज हैं वो सब नीचे वाले लेवल पे रहनी चाहिए। सो थ्री वे की जगह लेट इट बी फाइव वे ओनली, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। लेट इट बी फाइव वे ओनली। सो अगर ये फाइव वे है तो मेरे पास है 60, 75, 80, 90 लाइक दिस। जैसे ही 58 आया, पांच वैल्यूज हो गई, पांच अलाउड नहीं है, तो 75 आपका रूट पे गया, यहाँ पर आएगा 58, 60 और यहाँ पे 75, 80 और 90। ठीक है, तो जो इंडेक्स में हम यूज कर रहे हैं उसको एज अ वैल्यू अगेन हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो दैट वुड बी यूज एज अ वैल्यू ऑल्सो ओवर हिम, क्योंकि हमें लास्ट लेवल पे सारा डेटा रखना है, तो अभी तक का जो डेटा है उसमें ये पांच वैल्यूज है। फिर आपके पास 82 आया तो चार तो अलाउड है, 96 आया, अब पांच हो गए, पांच हो गई तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 75 एंड 82 पर चला जाएगा। तो इस तरफ है आपके पास 58, 60, इस तरफ रहेगा 75, 80 और इस तरफ हो जाएगा 82, 90, 96। सो दिस वैल्यू इज रिपीटेड। ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड पे ही रखना है या राइट साइड पे ही, वो आप चूज कर सकते हो, मैं राइट वाली साइड पे रख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 28 इज इंसर्टेड है, फिर हमारे पास क्या था 64 आ गया, दैट इज इंसर्टेड है, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपके जो लीफ नोड्स हैं सिर्फ उस पे डेटा होगा, ऊपर जो है वो सिर्फ इंडेक्स और पॉइंटर्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स एंड पॉइंटर्स एंड डेटा विल बी ऑलवेज देयर ऑन द लास्ट लेवल ओनली। और यहाँ पर हम एक और स्पेशल पॉइंटर भी मेंटेन कर लेंगे कि जैसे आपके पास ये लास्ट लेवल है तो ये तो सब स्टोर हो ही रहे, इसी में एक पॉइंटर होगा जो अगले इसको स्टोर करेगा, इसी में एक पॉइंटर होगा जो अगले इसको स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो पूरा डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में फेच कर पाऊंगी। तो यहाँ पर सर्च और ज्यादा बेटर हो जाती है, ट्रेवर्सल और ज्यादा ईजी हो जाता है, एंड दैट्स वाई वी इम्प्लीमेंट दिस। और ये ज्यादातर यूज कहाँ होता है, अब आपको नहीं पता है कि डिस्क मैनेज कैसे होती है हार्ड डिस्क में, बट इसका मेन काम होता है आपकी हार्ड डिस्क में सेक्टर्स वगैरह को मैनेज करना, तो वो मैनेज करने इजी हो जाते हैं, वो इन अ वे आपके इस तरह से स्टोर किए जा सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू गो इनटू द डेप्थ, बट यू जस्ट रिमेम्बर कि दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ योर बी प्लस ट्री। सो मैनेजिंग योर डिस्क फाइल, मैनेजिंग योर स्टोरेज, वो एक एप्लीकेशन है किसकी, बी प्लस ट्री की। सो ये आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है,
डायरेक्टली उनको कनेक्ट करता है, डेटा सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड्स पे होता है। सो जो आखिरी लेवल है उसी पे आपका सारा डेटा होगा, उसके ऊपर जितने भी लेवल्स होंगे उसमें जितने भी नोड्स होंगे दे विल ओनली बी कैरिंग द कीज, दैट इज द इंडेक्स वैल्यूज जो सर्च में हेल्प करेंगी, एंड पॉइंटर्स, और दैट इज हाउ यू फाइनली गेट द वैल्यूज। सो दिस इज हाउ अ बी प्लस ट्री इज प्रोसेस्ड। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि बी प्लस ट्री क्या होता है, आपको इसका प्रोग्राम नहीं बनाना है, आपको इसका कोड भी नहीं लिखना है व्हेन यू आर डूइंग बीसीए। लेटर कभी आप एडवांस स्टेज पे जाओगे तो जरूर आप इसको ट्राई करो, एग्जाम के लिए नहीं चाहिए बट अदरवाइज जब आपके पास फुर्सत हो तो जरूर हम इसको ट्राई कर सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा और किस तरह से हम इसके ऊपर काम करेंगे। बट समझने के लिए इतना ही है, दिस इज इट अबाउट बी प्लस ट्रीज। सो ये आपका हो गया बी प्लस ट्रीज क्या होता है, छोटा सा कंसेप्ट है, बस इस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। सो आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट आ सकता है बी प्लस ट्रीज के ऊपर लिखने के लिए, तो आप एक ट्री जरूर बना के दिखाओ, एग्जाम्पल जरूर बनाओ जहां तक पॉसिबल हो। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी वाले, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें टेक्सचुअल थ्योरी लिखनी होती है। आई ऑलवेज टेल यू दैट ऑलवेज गिव एग्जाम्पल, ऑलवेज मेक डायग्राम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, पर सही बनाना, इसलिए उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से आपको करना है एंड यू हैव टू डू इट दैट वे। सो दैट इज अबाउट बी प्लस ट्रीज इन डेटा स्ट्रक्चर। That's it for this video. I hope आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा।